झारखंड इन दिनों अफगानिस्तान बनता जा रहा है। यकीन नहीं हो तो इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। दरअसल रांची के आसपास के गांव में ब्राउन सुगर, हेरोइन समेत करीब 10 अरब रुपए के नशीले पदार्थ बाजार में तैयार हैं, जिसे सिर्फ बाजार में बेचना बाकी है। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में निजी और वन विभाग के जमीनों पर धड़ल्ले से नशीले पदार्थों की खेती हो रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाके में ब्राउन शुगर बनाने के लिए फैक्ट्री तक लगा दी गई है और अरबों रुपए के अफीम और इससे बनने वाले ड्रग्स नक्सलियों ने इकट्ठा कर रखे हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों अवैध अफीम की खेती धड़ल्ले से की जा रही है। दरअसल झारखंड के 24 में से 20 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं। यहाँ के सुदूर ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का दबदबा है। इन्होंने धन उगाही के लिए पहले फॉरेस्ट प्रोडक्ट और खनिजों पर अपना कब्जा जमाया और अब इन्होंने पैसा कमाने के लिए अपने संरक्षण में भोले भाले किसानों से अफीम की खेती करवाना शुरू कर दी है। जहां किसानों को इससे कुछ तत्काल मोटी रकम मिल रही है, तो दूसरी तरफ नक्सली इसे बेचकर मालामाल हो रहे हैं। देखिए, अफीम का आपको जानकारी है, जैसे पिछले साल अफीम के बारे में हम लोगों को सूचना मिली थी तो बहुत बड़े लेवल पे एनसीबी के साथ झारखंड पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारे पास जो फोर्सेस अवेलेबल हैं अर्धसैनिक बल, उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान था। उसमें कम से कम 4-5 हज़ार एकड़ में अफीम की खेती को डिस्ट्रॉय किया गया था। आप जो बोल रहे हैं कि उसका कारण क्या है, कारण है कि जो पिछड़ापन है कुछ क्षेत्रों में, लोगों को जानकारी का अभाव है और वहाँ पर उनको बरगला कर करके लोग, क्योंकि पैसा उसमें मिलता है और बहुत इंटीरियर एरियाज में ये लोग करवाते हैं उसको, प्लस इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स भी इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे गैंग्स को चिन्हित किया गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, कुछ लोग उसके पकड़ाए भी गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साफ कहा है कि उग्रवादी संगठन के संरक्षण में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, इसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई है 100 एकड़ में अवैध अफीम खेती का, जो उग्रवादी संगठन को संरक्षण देकर कुछ लोग इस तरह की वहां गतिविधियां कर रहे हैं। रघुवर दास रहे चाहे नहीं रहे, राज रहेगा, इस तरह की कोई करे, किसी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं किया। वैसे अफीम की फैलती खेती को रोकने के लिए फिलहाल राज्य के गृह विभाग ने एक टास्क फोर्स जरूर बनाया है, लेकिन जिस कदर ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का बोलबाला है और अफीम की खेती के जरिए किसानों को मोटी रकम देने के लालच में नक्सलियों ने गांव वालों को एकजुट किया है, उससे निपटना राज्य प्रशासन के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।